हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस। देखिए, ये एकदम लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस हैं और इस समय बैंकिंग के सभी एग्जाम्स में, बैंक क्लर्क में, बैंक पीयू में ये पूछे जा रहे हैं। बैंक क्लर्क में इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं जो थोड़े से बेसिक लेवल के रहते हैं, और बैंक पीयू लेवल में थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं। तो इस वीडियो क्लास में मैं कुछ बेसिक लेवल के आपको कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस बताऊंगा कि किस तरीके से आपको करना है, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए, और उसके बाद हम एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस हैं बैंक पीओ लेवल के, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। देखिए, ये क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है कॉलम 1, ये जो है ये कॉलम 1 है और ये जो है कॉलम 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 सेंटेंस दिए हैं, ए बी एंड सी, और यहाँ पर सेंटेंस दिए हैं डी ई एंड एफ। तो इनमें इनमें क्या करना होता है, आपस में इस तरीके से क्रॉस करके डायगोनली मिक्स एंड मैच करके, या इस तरीके से मिक्स एंड मैच करके आपको करेक्ट सेंटेंसेस बनाने होते हैं, और करेक्ट सेंटेंस का जो पेयर होता है वो आपका आंसर होता है। अब देखिए, ये बेसिक लेवल के इसलिए हैं क्योंकि इसमें एक ही इसमें से पेयर आपका आंसर बनेगा, या तो सी एफ होगा, या ए डी होगा, या बी एफ होगा, या ए ई होगा, या नन ऑफ दीज होगा। लेकिन जो बैंक पीओ लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, और इवन बैंक क्लर्क में भी कभी कभी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर दो दिए होंगे, जैसे सी एफ एंड ए डी, बोथ सी एफ एंड ए डी, ईदर ऑफ द टू, इस तरीके से ऑप्शंस को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाता है बैंक पीओ लेवल में। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से आप पढ़ते हैं, यदि सफिशियंट एविडेंस एग्जिस्ट। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको ग्रामर भी देखनी होती है और कॉन्टेक्स्ट भी देखना होता है। दोनों ही चीज़ें देखने के बाद जो सही सेंटेंस होता है वो इसमें आपका आंसर होता है। तो हम एक एक करके सारे पढ़ते हैं। सफिशेंट एविडेंस एग्जिस्ट टुडे परसुएडिंग अस टू ऑनर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेजिंग प्रिविलेजिंग इंडिविजुअल राइट ओवर इनोवेशन। तो ये सेंटेंस वाज से तो जुड़ेगा नहीं, इधर लूजेस से जुड़ेगा नहीं, हैज़ बिकम अ टॉपिक ऑफ, यहाँ से भी नहीं जुड़ रहा। इसको पढ़ते हैं सेकेंड वाले को। रिपीटेड प्रेस रिपोर्ट्स इंडिकेट कंटिन्यूइंग डेटा ब्रीचेज। डेटा ब्रीचेज का मतलब है कि जैसे किसी की प्राइवेसी, जैसे किसी का प्राइवेट डेटा है तो उसको उसको चुरा लिया या उसको मिस यूज़ किया, उसको हम बोलते हैं डेटा ब्रीचेज। ब्रीच का मतलब होता है वायलेट करना। ठीक है, डेटा ब्रीचेज, एक्सक्लूजन एंड थेफ्ट ऑफ बेनिफिट्स। तो यहाँ से भी कोई सेंटेंस जुड़ नहीं रहा है, वॉज काउंसल्ड हो जाएगा क्योंकि इसमें तो। ठीक है, अब यहां से देखते हैं द आधार प्रोजेक्ट विच एम्स टू अशर अ डेटा ड्रिवन रिवोल्यूशन इन द प्राइवेट सेक्टर एंड एट द सेम टाइम एक्ट एज ए स्टेट पॉलिसी पेनेसिया। यहां पर सब्जेक्ट क्या है, यहां पर जो रियल सब्जेक्ट है वो है आधार प्रोजेक्ट। तो आधार प्रोजेक्ट क्या है, एक डेटा ड्रिवन रिवोल्यूशन को वो इंट्रोड्यूस कर रहा है या किया है हमारी कंट्री में। अशर का मतलब होता है इंट्रोड्यूस करना, अशर इन बोलते हैं। एंड एट द सेम टाइम एक्ट एज ए स्टेट पॉलिसी पेनेसिया। स्टेट पॉलिसी का आधार स्तंभ है ये, पेनेसिया है। तो द आधार प्रोजेक्ट, यहां से यदि जोड़ते हैं, हैज बिकम अ टॉपिक ऑफ कंटिन्यूइंग पब्लिक कंसर्न। काफी लोग, मतलब सारी जनता, सारे लोग इसमें इस पर डिस्कस करते रहते हैं आधार प्रोजेक्ट के बारे में। और आधार प्रोजेक्ट जो है ये सिंगुलर भी है। तो यहां से सी और डी ई एफ, यानी सी और एफ का एक करेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है यहां पर। तो इसमें हालांकि आपको एक ही देखना है, एक ही कॉम्बिनेशन को करना है, तो इसमें आपका आंसर होगा सी एफ, बाकी का कॉम्बिनेशन इसमें नहीं बन रहा है। तो अभी आप बेसिक्स देखिए, ठीक है, फिर आगे के वीडियो क्लासेस में मैं कुछ एडवांस लेवल के थोड़े से टफ टाइप के आपको करवाऊंगा। तो इसमें सी एफ है आंसर। अब हम इसको देखते हैं। द कमेटी होल्ड्स इमेंस प्रॉमिस बट ए वाइट पेपर इट पब्लिश्ड मे सीम एज ए फॉर, देखिए यहां पर मे सीम जुड़ सकता है क्योंकि यहां पर हम बोल रहे हैं कमेटी। कमेटी होल्ड्स इमेंस प्रॉमिस बट ए वाइट पेपर इट पब्लिश्ड मे सीम एज ए फेयरली मॉडर्न लाइब्रेरियन ओपिनियन। वाइट पेपर क्या होता है, वाइट पेपर एक्चुअली एक एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको निकालती है, कोई चीज, किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है पब्लिक को, तो उसके बारे में वाइट पेपर निकाला जाता है। ठीक है, तो मॉडर्न लाइब्रेरियन ओपिनियन वॉइस्ड इन पिच डेक्स एंड टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंसेस एंड बायोड बाय द सक्सेस ऑफ द इंफॉर्मेशन इकोनॉमी। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। डिबेट्स ऑन परमिशन लेस इनोवेशन, सोशल लीव फ्रॉगिंग फैसिलिटेटेड बाय टेक्नोलॉजी एंड चैलेंजेस टू द लीगल ऑर्डर। देखिए यहां पर जो सब्जेक्ट है,
ये प्लूरल सब्जेक्ट है. डिबेट्स ऑन परमिशनलेस इनोवेशन, सोशल लीव फ्रॉगिंग फैसिलिटेट बाई टेक्नोलॉजी एंड चैलेंजेस टू द लीगल ऑर्डर हैव नाउ एक्वायर्ड ग्रेटर अर्जेंसी विदाउट लूजिंग एनी ऑफ देयर पॉलिमिकल फ्लेवर शिफ्टिंग फ्रॉम अकेडमिया टू लॉ मेकिंग. इस सेंटेंस का मतलब ये है कि इस समय इनोवेशन होना चाहिए कंट्री के अंदर. सोशल लीव फ्रॉगिंग का मतलब होता है छोटे छोटे स्टेप्स लेके आगे बढ़ना. तो इनोवेशन का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है और इस पर डिबेट होनी चाहिए. ये करेंट का फ्लेवर बन गया है. तो डेफिनेटली बी और ई तो इसमें जुड़ रहे हैं. लेकिन आगे देखते हैं. देयर इज ए सब्सटेंशियल पब्लिक सेंटीमेंट दैट डिस्ट्रस्ट लीगल रूल्स एंड स्टेट स्ट्रक्चर आर बीइंग. आर बीइंग से ये नहीं जुड़ेगा, ये यहाँ से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है. डेफिनेटली इसमें बी और ई जो हैं ये जुड़ रहे हैं, इनका एक सेंस निकल रहा है. तो यहां पर इसका आंसर होगा 4, दैट इज बी ई. ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं. अभी आपको केवल बेसिक्स को समझना है, बाद में मैं टफ क्वेश्चंस भी आपको करवाऊंगा. अलोंग विद लैंडलेस फैमिलीज स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स. देखिए फार्मर्स यहां पर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब चाहिए इसमें. प्लूरल वर्ब इसमें भी है और इसमें भी है. यदि इसको इससे जोड़ा जाए, अलोंग विद लैंडलेस फैमिलीज स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स आर गेटिंग पॉपुलराइज एंड मोर एंगेज्ड इन मैनुअल लेबर. यहां पर इसका सेंस सही निकल रहा है. क्यों निकल रहा है? क्योंकि जो लैंडलेस फैमिलीज हैं, ठीक है, अलोंग विद लैंडलेस फैमिली, ऐसी फैमिलीज गांव में जिनके पास जमीन नहीं है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, जो छोटे मोटे फार्मर्स होते हैं, जो गरीब फार्मर्स होते हैं, आर गेटिंग पॉपुलराइज एंड मोर एंगेज्ड. वो गरीब पर गरीब होते जा रहे हैं और वो ज्यादा इंगेज हो रहे हैं किसमें, मैनुअल लेबर में. तो डेफिनेटली ए और डी एकदम सही सेंटेंस है. ग्रामेटिकली भी सही है और कॉन्टेक्स्ट भी इसका सही है. द मोर नंबर ऑफ पैरामीटर्स ऑन विच अ हाउस होल्ड ऑफ ऑल दोज. देखिए इस सेंटेंस से ये दोनों सेंटेंस नहीं जुड़ सकते, तो इसका नहीं बनेगा. इसका देखते हैं. द रूरल सेंसस, सेंसस हम बोलते हैं जनसंख्या को जो 10 साल में एक बार होती है. द रूरल सेंसस और SECC मैप्ड डिप्राइवेशन यूजिंग 7 इंडिकेटर्स आर लैंडलेस. इससे भी सेंस नहीं बन रहा. तो ए और डी इसमें डेफिनेटली सही आंसर है, ए एंड डी, क्योंकि ए और डी का कॉन्टेक्स्ट भी बन रहा है और उसकी ग्रामर भी सही है. ठीक है, तो ए डी यहां पर इसका सही आंसर आपका होगा. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम. द बजट फॉर 2018-19 शुड सस्टेन दिस पब्लिक इन्वेस्टमेंट एफर्ट. द बजट फॉर 2018-19 शुड सस्टेन दिस पब्लिक इन्वेस्टमेंट एफर्ट टू जनरेट कंस्ट्रक्शन जॉब फॉर ग्रोइंग सरप्लस रूरल लेबर. देखिए बजट जो हम बनाते हैं, बजट में, बजट के थ्रू हम कंस्ट्रक्शन जॉब को क्रिएट नहीं करते हैं. ठीक है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट एफर्ट, द बजट फॉर 2018-19 शुड सस्टेन दिस पब्लिक इन्वेस्टमेंट एफर्ट. ठीक है, आगे देखते हैं, पहले इसका सेंस देखते हैं. द इंटेंशन हेयर इज टू रेज पब्लिक इन्वेस्टमेंट स्पेशली फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट टू जनरेट कंस्ट्रक्शन जॉब फॉर ग्रोइंग सरप्लस रूरल लेबर. इसको देखते हैं. हालांकि इसमें एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा, तो जो सबसे सही होगा वो आपको करना पड़ेगा. द सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री हैज ऑल्सो अटेम्प्टेड टू सस्टेन पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर टू जनरेट. देखिए यहां से एकदम सही सेंस बन रहा है कि सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने अटेम्प्ट किया है कि वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देगी. किस लिए? टू जनरेट कंस्ट्रक्शन जॉब फॉर ग्रोइंग सरप्लस रूरल लेबर. तो इसमें सी एंड डी, देखिए ए एंड डी तो इसमें नहीं दिया, ऑप्शन में भी नहीं दिया, सी एंड डी दिया है. और सी एंड डी का इसमें कॉम्बिनेशन भी दिया है और सी एंड डी का कॉन्टेक्स्ट भी बन रहा है इसमें. तो सी एंड डी यहां पर आपका सही आंसर होगा. ठीक है, आगे हम देखते हैं. फ्रेगमेंटेशन ऑफ ऑलरेडी डिफिकल्ट रिलेशनशिप डजेंट होल्ड आउट मच होप फॉर एनी इम्प्रूवमेंट. प्ले आउट से नहीं बनेगा. विच इज इनिमिकल डिस्पोज टूवर्ड इंडिया. फ्रेगमेंटेशन ऑफ ऑलरेडी डिफिकल्ट रिलेशनशिप डज नॉट होल्ड आउट मच होप फॉर एनी इम्प्रूवमेंट विच इज इनिमिकल. ये यहाँ से भी नहीं बनेगा. विद द लीडरशिप ऑफ नॉर्थ कोरिया, यहाँ से भी नहीं बनेगा. यहाँ से देखते हैं. द फ्यूचर ऑफ द रेस्ट ऑफ एशिया इन 2018 इज अगेन डिपेंडेंट ऑन हाउ द स्ट्रेटेजिक ट्राइंगल ऑफ स्टेट रिलेशन बिटवीन चाइना पाकिस्तान एंड इंडिया. देखिए स्ट्रेटेजिक ट्राइंगल
तीन लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, जो तीन लोग कौन है, चाइना, पाकिस्तान एंड इंडिया। तो यहां पर फ्यूचर एक्चुअली सिंगुलर नाउन है, ठीक है। तो देखिए इस सेंटेंस को यदि आप इस सेंटेंस से जोड़ें तो इसका सेंस भी सही निकलेगा और ग्रामर भी सही निकलेगी। द फ्यूचर ऑफ द रेस्ट ऑफ द एशिया इन 2018 इज अगेन डिपेंडेंट ऑन हाउ द स्ट्रेटेजिक ट्राइंगल ऑफ स्टेट रिलेशंस बिटवीन चाइना, पाकिस्तान एंड इंडिया प्लेज आउट। प्लेज आउट सही है क्योंकि ये फ्यूचर के साथ जुड़ा हुआ है। एज ऑल्सो द एक्सटेंट टू विच इवेंट्स इन वेस्ट एशिया डिटीरियोरेट। मतलब जो फ्यूचर है रेस्ट ऑफ एशिया का 2018 में, वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि इन तीनों के रिलेशंस कैसे हैं, क्योंकि ये तीनों मेन प्लेयर हैं एशिया के। तो इसलिए बी एंड एफ इसमें सही हैं। तो आपको ग्रामर भी देखनी होती है और कॉन्टेक्स्ट भी देखना होता है। अब चूंकि एक ही कॉम्बिनेशन बनाना है तो बी एफ इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देर इज समथिंग यूनिकली ग्रोटेस्क अबाउट अपॉइंटिंग लॉयर्स टू वेट ए फिल्म दैट मेक फन ऑफ लॉयर्स जस्ट एज इट इज यूनिकली ग्रोटेस्क। देखिए इसमें दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं कि ऐसी फिल्म को एग्जामिन करने के लिए लॉयर्स को रखना जिसमें लॉयर्स का फन उड़ाया गया है, लॉयर्स का मजाक उड़ाया गया है, ऐसी मूवी को एग्जामिन करने के लिए। वेट का मतलब होता है एग्जामिन करना। एग्जामिन करने के लिए हम ऐसे लॉयर्स को रखें जो खुद मतलब खुद ही लॉयर हैं, तो वो लॉयर की मूवी को अच्छे तरीके से एग्जामिन नहीं कर पाएंगे। देर इज समथिंग यूनिकली ग्रोटेस्क अबाउट अपॉइंटिंग लॉयर्स टू वेट ए फिल्म दैट मेक फन ऑफ लॉयर्स, ठीक है। ये थोड़ा सा इसमें एक पैराडॉक्स दिखाया गया है कि ऐसी फिल्म को हम ऐसे लोगों से एग्जामिन नहीं करवा सकते जो खुद ही लॉयर है और लॉयर की ही मूवी है। Just as it is uniquely grotesque to invite members of the royal family to vet a film that allegedly besmirches Rajput owner. तो इसमें जिस तरीके से हम रॉयल फैमिली के लोगों को एग्जामिन करने के लिए नहीं रख सकते राजपूत मूवी को, उसी तरीके से हम एडवोकेट्स को नहीं रख सकते एडवोकेट की मूवी को एग्जामिन करने के लिए। तो इसमें भी कंपेरिजन किया है, इसमें भी हम कंपेरिजन किया है। तो ए और ई इसमें आपका सही आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों में ही कंपैरिजन हो रहा है और सही है ये कॉन्टेक्स्ट भी इसमें सही है। अभी आप बेसिक चीज़ें समझ लीजिए। और यहाँ पर हम देखते हैं ह्यूमन कैपिटल मे बी अंडरस्टूड एज ए पर्सन्स एंडोमेंट ड्राइव्ड के वक्त तो फ्रॉम आता है, तो फ्रॉम तो इसमें है नहीं, ठीक है। फॉर ए पॉपुलस पुअर कंट्री टू लिफ्ट इटसेल्फ टू ए हायर ग्रोथ पाथ एंड स्टे देयर requires what? Requires के साथ भी ये नहीं जुड़ेगा, यहाँ से जुड़ सकता है, इसको देखते हैं। If there is to be a meta narrative for China's economic development, हाँ देखिए यहाँ पर कॉमा भी है, कॉमा के बाद एक सेंटेंस जुड़ जाएगा यहाँ पर। इट इज़ दैट इट्स लीडरशिप मतलब चाइना की लीडरशिप कंबाइन द ड्राइव फॉर ग्रोथ विद द स्प्रेडिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल। डेफिनेटली सी और ई इसमें जुड़ रहे हैं, तो सी और ई का इसमें एक सही कॉम्बिनेशन बन रहा है कि यदि कोई डिस्क्रिप्शन हो सकता है चाइना के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। मेटा नैरेटिव मतलब डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम किसी को एनालाइज करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। तो चाइना का मेटा नैरेटिव क्या हो सकता है कि इसकी लीडरशिप है जिसमें कंबाइंड दो चीज़ें कंबाइन है, ड्राइव फॉर ग्रोथ कि ग्रोथ की एक इच्छा है और उन्होंने ह्यूमन कैपिटल का अच्छा यूज़ किया है। तो सी एंड ई डेफिनेटली इसमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस इसमें बन रहा है। चलिए आगे देखते हैं। क्लोजर होम द अफगान तालिबान एंड द हराकी नेटवर्क हैव कैरिड आउट सेवरल स्पेक्टेकुलर अटैक्स अदर टेरर नेटवर्क हैव कंटिन्यू टू बी नो लेस एक्टिव। यहाँ से ये जुड़ सकता है लेकिन इसमें कॉमा नहीं है एक्चुअली। यहाँ पर इन दोनों सेंटेंस को यदि आप जोड़ते हैं तो इसके बीच में एक कॉमा चाहिए। कॉमा इस सेंटेंस में है, देखिए। इवन वाइल द आई एस हैज़ गेन्ड अ ग्रेट डील ऑफ प्रोमिनेंस ड्यू टू इट्स ब्रांड ऑफ वायलेंस अदर टेरर नेटवर्क हैव कंटिन्यू टू बी नो लेस एक्टिव। यदि इस सेंटेंस को इस सेंटेंस से जोड़ते हैं बी को और डी से, तो बीच में कॉमा होना जरूरी है यहाँ पर, ठीक है। कॉमे से ही तो हम जोड़ेंगे दो सेंटेंसेस को। इसमें कॉमा नहीं है, इसमें कॉमा नहीं है, इसमें कॉमा है। तो डेफिनेटली बी एंड डी
इसमें सही कॉम्बिनेशन होगा, बी एंड डी का ऑप्शन भी दिया है। इसका मतलब क्या है? देखिए, इवन वाइल द आई एस हैज़ गेन्ड अ ग्रेट डील ऑफ प्रोमिनेंस ड्यू टू इट्स ब्रांड ऑफ वायलेंस। आई एस जो है ये काफ़ी फेमस है, ये काफ़ी प्रोमिनेंट है क्योंकि वायलेंस के लिए जाना जाता है या आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व रहता है। लेकिन अदर टेरर नेटवर्क जो हैं वो भी कोई कम एक्टिव नहीं है इससे। तो सेंस भी बन रहा है इसका, ग्रामर भी बन रही है बी एंड डी, तो बी एंड डी यहाँ पर सही आंसर इसका होगा। ठीक है, चलिए 9th सेंटेंस देखते हैं। सपोर्टर्स ऑफ द लीडिंग पावर डॉक्ट्रिन, लीडिंग पावर डॉक्ट्रिन एक होता है फिलॉसफी या कोई प्रिंसिपल या कोई सिद्धांत। तो सपोर्टर्स ऑफ द लीडिंग पावर डॉक्ट्रिन्स ऑफन आर्ग्यू राइटली दैट इंडिया, अब इंडिया के बाद दैट इंडिया, इंडिया सब्जेक्ट है तो कोई वर्ब आनी चाहिए यहां पर। ठीक है, दैट इंडिया, दैट इंडिया, दैट कैन नॉट तो जुड़ेगा नहीं, दैट इंडिया द रेटोरिक जुड़ेगा नहीं, दैट इंडिया मस्ट बी मोर फोर्थ राइट एंड आर्टिकुलेट इन एक्सप्रेसिंग इट्स, भी आ रहा है मतलब इंडिया की बात हो रही है और इश्यूज कन्फ्रंटिंग द वर्ल्ड। तो डेफिनेटली ए और एफ का सही एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। ठीक है, अब चूंकि ए और एफ का सही कॉम्बिनेशन बन रहा है तो इनमें से आंसर होगा फोर्थ, और ये इसमें सही है। चूंकि देखिए बाकी कॉम्बिनेशन को देखने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ऑप्शंस में दो कॉम्बिनेशन नहीं दिए, दो या तीन, एक ही कॉम्बिनेशन दिया है और एक में आप श्योर हैं तो एक को आप आंसर लगा सकते हैं, यानी बाकी तो गलत ही होंगे। यहां पर हम देखते हैं, कंसिडरेबल वर्क नीड्स टू बी डन टू इंश्योर ए स्मूथ ट्रांजिशन एंड टू रीप द रेवेन्यू, नहीं ये भी नहीं है। ट्रेड एंड इंडस्ट्री हैव ग्रैपलिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ पेमेंट, फाइलिंग द रिटर्न एंड क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर द स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम ऑफ द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ट्रेड एंड इंडस्ट्री हैव बीन ग्रैपलिंग, ग्रैपलिंग मतलब स्ट्रगल, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, ट्रेड एंड इंडस्ट्री हैज़ बीन होना चाहिए ये क्योंकि एक ही सब्जेक्ट है ये, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, हैव बीन ग्रैपलिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ पेमेंट, फाइलिंग द रिटर्न एंड क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर द स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम। देखिए इसमें प्रोग्राम की बात हो रही है और इसमें फाइलिंग रिटर्न की बात हो रही है, यानी दोनों सेंटेंस ये मिल नहीं रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ द GST इज एन इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म एंड इज ए स्टैंडर्ड पॉलिसी रिकमेंडेड फॉर एवरी कंट्री गोइंग इन फॉर द स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट। डेफिनेटली यहाँ से एक सेंस बन रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ द GST इज एन इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म, ये एक इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म है एंड इज ए स्टैंडर्ड पॉलिसी रिकमेंडेशन फॉर एवरी कंट्री, और हर कंट्री के लिए GST जो है वो रिकमेंडेड है हर कंट्री के लिए, जो कि स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम जो है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड उसमें वो इन्वॉल्व होना चाहता है। तो डेफिनेटली सी एंड डी का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, सी एंड डी दिया भी है इसमें, तो सी एंड डी इसमें सही आंसर आपका होगा। ठीक है, तो मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं, आगे मैं थोड़े से एडवांस वाले क्वेश्चंस भी लूंगा, तो ये क्वेश्चंस सरल रहते हैं। इनमें आपको कॉन्टेक्स्ट और ग्रामर दो चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं, कॉन्टेक्स्ट और ग्रामर, यदि ये दो चीज़ें आप देख लेते हैं तो आप सही तरीके से इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। देखिए इस समय इस तरह के क्वेश्चंस भी इस समय पूछे जा रहे हैं जिसमें एक इडियम यहाँ पर दिया रहता है या एक फ्रेजल वर्ब यहाँ पर दी रहती है और किन किन सेंटेंसेस में इसका यूज सही हुआ है उसके अकॉर्डिंग फिर यहां पर आपका आंसर बनेगा। ग्रीन हॉर्न, देखिए एक होता है ग्रीन थंब, ग्रीन थंब उसको बोलते हैं जिसका गार्डनिंग में काफी इंटरेस्ट होता है। ग्रीन हॉर्न हम एक ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो इनएक्सपीरियंस्ड है, जिसको एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, तो ड्यू टू डेटीरिएटिंग हेल्थ मिसेस डॉली लुक्ड लाइक ए ग्रीन हॉर्न। ठीक है, डेटीरियोरेटेड हेल्थ यानी कमजोर हेल्थ की वजह से वो ग्रीन हॉर्न की तरह दिखती थी, तो ये गलत है, ये पूरी तरीके से गलत है क्योंकि ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है इनएक्सपीरियंस्ड। अब देखिए सेकंड को देखिए, यू कैन नॉट रिलाय ऑन अ ग्रीन हॉर्न, यहां पे ए भी लगा है तो इसका मतलब ग्रीन हॉर्न का यूज हम एक नाउन की तरह कर रहे हैं, तो यू कैन नॉट रिलाय ऑन ए ग्रीन हॉर्न लाइक हिम फॉर दिस जॉब। आप इस जॉब के लिए एक नए बंदे पर, एक इनएक्सपीरियंस बंदे पर रिलाय नहीं कर सकते, तो यहां पर सेकंड सही है। ऑफ कोर्स इवन ए ग्रीन हॉर्न कुड फॉलो द वैगन ट्रैक्स दे वुड लीव इन द सेंड, मतलब सेंड में उन्होंने जो ट्रैक्स छोड़े थे
उसको एक ग्रीन हॉल, बिल्कुल इनएक्सपीरियंस आदमी भी फॉलो कर सकता है, ये भी सही है। आफ्टर वॉकिंग फॉर माइल्स दे सीम्ड लाइक ग्रीन हॉल्स, तो ये इसमें सही नहीं है, ठीक है। तो सेकेंड एंड थर्ड इसमें सही है। एक सेकेंड, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया है। तो इसमें आपका ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट होगा इसमें आंसर, ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा लाइट चली गई है तो इस वीडियो को थोड़ा जल्दी एंड करना पड़ेगा। एंड कोल्ड ब्लड का मतलब होता है रूथलेसली, बिना किसी इमोशन के या जानबूझकर किसी को अटैक करना। ही किल्ड देम इन कोल्ड ब्लड, ये सही है। द मूवमेंट वॉज कॉल्ड रेडहेड, नहीं ये गलत है। द क्राइम हैड बीन कमिटेड इन कोल्ड ब्लड, ये सही है। कोल्ड ब्लड मतलब जानबूझकर या रूथलेसली। सम इनोसेंट पीपल वर मैसक्रेड इन, ये सही है। यानी सेकंड को छोड़ के इसमें सब सही है, तो ऑल एक्सेप्ट सेकंड हो जाएगा इसमें, ठीक है। मैन ऑफ मींस का मतलब होता है जिसके पास काफी पैसा है, काफी सक्सेसफुल है, मैन ऑफ मींस जिसके पास साधन है। ओनली मैन ऑफ मींस कुड अफोर्ड टू ट्रेवल अब्रॉड, सही है। तमन्ना मेरे लिए मैन ऑफ मींस, ये सही है। अंबानी सही है, एक्सपेंसिव का सही है, इसमें हो जाएगा आपका, ऑल आर करेक्ट। टूथ एंड नेल का मतलब होता है पूरी ताकत से लड़ना, वी फॉट टूथ एंड नेल, ये सही है। द पीपल ऑफ दिस कंट्री फाइट, टूथ एंड नेल इसमें विद नहीं आता है, टूथ एंड नेल में, क्योंकि ये एक idiom है। द ट्विन फाइट इसमें भी नहीं आएगा, इसमें आ जाएगा। फर्स्ट एंड फोर्थ सही है इसमें, इसमें आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विम एंड वाइगर मतलब एनर्जी, दे विल बी फुल ऑफ विम एंड वाइगर, ये सही है। अगर तीसरे जानते हैं फुल ऑफ विम, ये सही है, ये सही है, ये भी सही है, इसमें भी ऑल आर करेक्ट है। विम एंड वाइगर का मतलब होता है एनर्जी एंड एक्साइटमेंट, ठीक है। तो एक्चुअली इसमें मैंने कॉलमलेस क्वेश्चन भी लिए हैं और ये भी क्वेश्चन भी लिए हैं, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में लूँगा। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।